दोस्तों, मैं हूँ सौम्या और आप देख रहे हैं सहेली टीवी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल एस्थमा, यानी कि अस्थमा को कैसे कंट्रोल किया जाए। और मैं ऐसे टिप्स भी दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि चेंजिंग टेम्परेचर से कैसे इम्यून रखा जाए अपने आप को। दोस्तों, मुझे भी ये प्रॉब्लम है, सांस वाली प्रॉब्लम है, एस्थमा है, और इसको मैंने इसके लिए बहुत कुछ उपाय अपने लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई किए हैं, पर मैं आपसे कुछ नेचुरल रेमेडीज़ शेयर करने जा रही हूँ, कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप अपने ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कोल्ड प्रॉब्लम, जो फ्रीक्वेंट कोल्ड प्रॉब्लम होता है, कफिंग प्रॉब्लम, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ एंड तक, क्योंकि मैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रेमेडीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, जिसको ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो ऑफ कोर्स इस चीज़ का तो इस्तेमाल करता ही होगा, पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो किया ही होगा। मैं भी करती हूँ, ये मेरा ही इनहेलर है, पर मैंने इसको यूज़ करना, मेरा इसका यूसेज इतना ज़्यादा मिनिमाइज़ हो चुका है, ये जो नेचुरल रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसको यूज़ करके। और आजकल के ज़माने में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, स्पेशली इंडिया में इतना ज़्यादा हर सिटी में पोल्यूशन है कि हमें अपने, हम उसका तो कुछ नहीं कर सकते पोल्यूशन का, पर हमें अपने बॉडी को कैसे टेक केयर करना है वो तो हमें करना ही होगा। तो हमें मास्क यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जब हम बाहर जाते हैं तो हमें मास्क यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से आप कोई भी मास्क ले सकते हैं जो अच्छा हो, आपको कंफर्टेबल हो और ज़्यादा प्रोटेक्ट करे, या फिर आप स्टोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वुलन स्टोल है, जनरली मैं वुलन स्टोल यूज़ करती हूँ, पर गर्मियों के सीज़न में आप कॉटन का यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करने के लिए पोल्यूशन से, आप हमेशा मास्क पहन के या स्कार्फ पहन के, स्टोल पहन के इस तरह से निकले, तभी आप पोल्यूशन से बच सकते हैं, पोल्यूशन को अंदर जाने से बच सकते हैं। पोल्यूशन अंदर जाता है तो ये प्रॉब्लम जो है वो एग्रीवेट हो जाती है, कफिंग प्रॉब्लम होने लगती है उसकी वजह से, और हमें दिक्कत होने लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जब कफिंग प्रॉब्लम होती है या हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो और आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले गर्म पानी, गर्म पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें, स्पेशली जो जिसको ये प्रॉब्लम है, कोल्ड वाली प्रॉब्लम है, कफिंग वाली प्रॉब्लम है, उसे गर्म पानी का यूज़ एटलीस्ट 2 times a day तो करना ही चाहिए, मॉर्निंग में एक बार और रात में सोने से पहले। और जब आपको प्रॉब्लम है कफिंग की, तो सॉल्ट वाटर गागल बहुत ज़्यादा करें, ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 3 times a day आप सॉल्ट वाटर गागल करें, उससे आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम काफ़ी स्मूथ आउट हो जाएगा। और क्योंकि मैं खुद करती हूँ, मैं बिना हॉट वाटर के रह ही नहीं सकती, मॉर्निंग में करती ही हूँ और पीती हूँ 2 times a day, सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग टू यू। स्टीम लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जिसको ये प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या कफिंग प्रॉब्लम है, या अगर जब हमें कोल्ड होता है तभी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मेरे मास्टर ने मुझे रिकमेंड किया था स्टीम लेने के लिए एवरी डे। पहले तो मैं स्टीम में कुछ एक मिंट वाला जो टैबलेट आता था उसको कट करके, कैप्सूल आता था उसको कट करके मैं उसमें डाल के लेती थी, पर मेरे मास्टर ने जो रिकमेंड किया वो बोला उन्होंने कि नेचुरली लेने का, मतलब बिना उसमें कुछ डाले नेचुरली बस स्टीम लेना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और सिर्फ मुंह में नहीं लेना है, मुंह में लेना है, नोज़ पे लेना है, इस तरह से एक टॉवल आप ले लीजिए या ब्लैंकेट ले लीजिए, उसे ऊपर ढक लीजिए, जो आपका जो कंटेनर है जिसमें आपका स्टीम आ रहा है ऊपर से, उसके नीचे ऐसे रखना है, नोज़ पे जाना चाहिए, ऐसे करें दोनों साइड, मुँह खोल के मुँह से ले सांस, और गले पे जाना चाहिए वो जो स्टीम है, और माथे पे भी जाना चाहिए, पर आप ये ध्यान रखिए कि आपके आईज़ पे स्टीम नहीं जाना चाहिए, बिकॉज़ आईज़ आर रियली डेलिकेट, सो
आप ट्राई करें कि वो जो ब्लैंकेट या जो भी आप यूज़ कर रहे हो उससे आप आइज़ को कवर कर लें जब आप स्टीम ले रहे हो. तो स्टीम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा डेली लेती हूँ. इससे मेरा गला क्लियर हो जाता है, वॉइस साफ आने लगती है और स्मूद आउट हो जाता है. मतलब कफिंग की प्रॉब्लम थोड़ी मिनिमाइज होने लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा स्मूद आउट हो जाती है. ये मैंने ऑब्जर्व किया है. ये आप अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहे हो. वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स स्पेशली. मेरे मास्टर ने मुझे रिकमेंड किया था जब मैं उनके डाइट पे थी, तो उन्होंने बोला कि 3 times a day रॉ वेजिटेबल्स खाना ही है, वो भी अनपील्ड, यानी कि उसका छिलका बिना निकाले. तो ये मेरी हैबिट हो गई थी. एंड स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जो वेजिटेबल हम ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो. आजकल के ज़माने में ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती नहीं हैं, उसमें कुछ ना कुछ वो मिलावट होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के क्या क्या डाल के वो उगाते हैं जो कि प्योर नहीं होता. सो द पॉइंट इज़ टू हैव प्योर एंड ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और एनी स्टफ़. सो स्टिक टू दैट. रॉ वेजिटेबल्स आप ले, तीनों टाइम आप खाएं और स्पेशली कैरेट खाएं. कैरेट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये कफिंग इश्यूज़ में, लंग्स को बेसिकली लंग्स के फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा कैरेट हेल्प करता है. इनफैक्ट आप कैरेट जूस डेली पी सकते हैं. मुझे एक डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था कि कैरेट जूस, ऑर्गेनिक कैरेट जूस डेली एक टाइम तो पिए ही पिए. उससे भी काफ़ी ज़्यादा लंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज होती है. तो वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स अनपील्ड, वो आप तीनों टाइम नाश्ता में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तीनों टाइम लेने की कोशिश करें. और अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आप ट्राई करें कि कुक्ड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ स्पेशली. वैसे तो मिक्स खाना चाहिए पर ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं. उससे मैंने देखा है, मैंने 3-4 months से मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स खा रही हूँ, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली, एंड सैलड्स भी बहुत ज़्यादा खा रही हूँ. इससे मेरी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है. और ये जो इन्हेलर है इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम पड़ती है. आई गेस 1 in 2 months मैं लेती हूँ. तो ये बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया है. आप भी ट्राई करके देखिए, ये काफ़ी इम्प्रूव होगा. सो नेक्स्ट विच आई एम गोइंग टू शेयर इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मेरे को वो जब से डाइट उन्होंने रिकमेंड किया, मैं डाइट पे थी, एक्सरसाइज पे भी थी, मुझे इस इनहेलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी. पर जब मैंने एक्सरसाइज स्टॉप किया तो मैंने देखा कि मेरी लंग की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है. और मैं रनिंग करती हूँ थोड़ा सा भी तो मैं एकदम हाँफने लगती हूँ थोड़ा सा भी. अभी भी मेरे को कंजेशन है. जब मैं एक्सरसाइज करूँगी तो वो कंजेशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा, चला जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा कंजेशन. सो एक्सरसाइज इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एटलीस्ट फॉर 1 hour एक्सरसाइज करें, रनिंग करें स्पेशली. कार्डियो एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होता है लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए. आप 2 months करके देखें ये कार्डियो एक्सरसाइज, 1 hour डेली कार्डियो या मिक्स ऑफ एक्सरसाइजेस, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा आपका लंग्स कैपेसिटी एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑल्सो विल, यू नो, इट विल गेट रियली मिनिमाइज्ड. टेकिंग सन बाथ, सन बाथ बहुत ज़्यादा यू नो बेनिफिशियल होता है. ऑल्दो मैंने उतना ज़्यादा ट्राई नहीं किया, पर जितने देर भी मैंने ट्राई किया, जितने दिन भी मैंने ट्राई किया, मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट था. और यू नो ये यहाँ पे इस एरिया में बेसिकली सन का, यू नो, सन का रेज आना चाहिए इस एरिया में, चेस्ट एंड यू नो थ्रोट, इस एरिया में बहुत ज़्यादा आना चाहिए. और वैसे तो पूरे बॉडी में सन रेज आने चाहिए जिससे आप सन बाथ अच्छे से तरह से ले सके और वो अच्छी तरह से काम कर सके आपके बॉडी पे. एक तो विटामिन्स मिलते हैं सन से, प्लस जो अंदर के जो कफिंग वगैरह है वो गलने लगता है. तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है. मेरे मास्टर ने यही मुझे रिकमेंड किया था. आप भी एक बार ट्राई करके देखें कुछ मंथ्स, लेकिन एटलीस्ट 1 month आप ट्राई करके देखें 20 minutes के लिए. बहुत अच्छा रहेगा सन बाथ करना.
नेक्स्ट इज विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ये भी मेरे मास्टर ने रिकमेंड किया था, मैंने किया भी है, एक टॉवल ले, एक सॉफ्ट टॉवल ले और उसे नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में उसको डिप करें. उसको पूरा अच्छी तरह से स्क्वीज़ नहीं करना है, नॉर्मली हल्का सा स्क्वीज़ करना है. बस वही है कि इसमें से पानी जो है वो डिप नहीं होना चाहिए, वो पानी लीक नहीं होना चाहिए, टपकना नहीं चाहिए. और उसको आपको लेना है और पूरा सा फोल्ड नहीं करना है, उसको बिल्कुल अनफोल्ड करके अपने चेस्ट पे रखना है 20 मिनट्स, और अपने स्टमक पे रखना है, बेली पे और गले पे रखना है. तो ऐसा करने से बहुत ज़्यादा यू नो हेल्प करता है हमें, हमारे बॉडी को, बेसिकली ये ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. 20 मिनट्स के लिए आप ऐसा करके देखें 1 month, और ये बहुत ही बेनिफिशियल सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए. दिस वॉज ऑल द पॉइंट्स दैट आई कवर्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल आस्थमा, एज़मा, जिसे इंग्लिश में एज़मा कहते हैं और हिंदी में अस्थमा कहते हैं. तो उसको कैसे कंट्रोल करें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करें, कफिंग जो होता है और जो साइनस प्रॉब्लम, जो नोज़ बहती है, स्टीमिंग वगैरह, ये सब जो मैंने बताया वो भी बहुत हेल्प करेगा. और चेंजिंग टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमें, बहुत ज़्यादा यू नो ये इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, जो हम मैंने बताया, सैलड्स वगैरह और यू नो स्टीम वगैरह लेना डेली बेसिस पे, ये टॉवल वाला, ये सब इम्यूनिटी बहुत इंक्रीज़ करता है, सन बाथ एंड ऑल स्टाफ. सो चेंजिंग टेम्परेचर से भी हमें ये प्रिवेंट करता है. चेंजिंग टेम्परेचर से जो हमें कोल्ड हो जाता है या फिर कंजेशन हो जाता है अचानक से ठंडी लगने की वजह से, तो ये सब में बहुत हेल्प करेगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप ट्राई करके देखिए सारे पॉइंट्स जो मैंने शेयर किए, जो मैंने सारे सॉल्यूशंस शेयर किए. आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और मेरे पिछले वीडियोस में जाके देखिए, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ्स मिलेगा आपके हिसाब से, आपके लायक. सो कमिंग विथ लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ्स. सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय.